प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा? बेटा, अपन ने पा, फा, आज हम लिखेंगे भा। भा लिखना सीखेंगे। पा, पा से पतंग, फा से फल। फिर बताइए आप क्या बोलेंगे? पा, फा, बा से बकरी। आज हम भा से भटा, भा से भटा, भा से भालू, भा से भारत, भा से भूमि, भा से भजन। भगवान के भजन गाते हैं ना अपन, भा से भगवान। हम आज भा लिखना सीखेंगे। क्या लिखना सीखेंगे? भा। और आप सबको वीडियो देखना है। आप लोग वीडियो देखते हैं ना? वेरी गुड। सब बच्चों को वीडियो देखकर पढ़ाई करना है, बोल बोल कर लिखना है, याद करना है। वेरी गुड बेटा, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप लिखते हैं, है ना? बिल्कुल आलस नहीं करना है, जितना हो उतना लिखो बेटा, बहुत अच्छे से लिखना। आप घर पे हैं तो आराम से बैठकर लिख सकते हैं, है ना? तो आपको लिखना है, अच्छे बच्चे बनना है, तो लिखें। वेरी गुड, बहुत आसान है। रेडी? आज हम लिखेंगे भा। भा से भारत, भा से भटा, भा से भगवान। भा लिखने का अभ्यास करेंगे। क्या लिखने का? भा। भा से भटा, भटा बैंगन को कहते हैं, है ना? भा लिखेंगे। भा से भगवान। भगवान अपन को बुद्धि देता है, तो हमको भगवान की बात मानना है और पढ़ाई करना है बहुत अच्छे से, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे कि आप पढ़ते नहीं है, ऐसा है ना? तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। रेडी? वेरी गुड बेटा। तो सबसे पहले हम भा लिखेंगे। रेडी? भा लिखने के लिए सबसे पहले छोटी सी स्लीपिंग लाइन और इधर भी, ठीक है? और इधर अपन आधा गोला ऐसे बनाएंगे, देखो बेटा ऐसे। फिर उसको एक स्टैंडिंग लाइन से, देखो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। फिर इधर भी हम एक आधा गोला ऐसे। फिर उसको एक स्लीपिंग लाइन से जोड़ेंगे, बनाइए आप भी। फिर एक स्टैंडिंग लाइन, भा से भट्टा, भा से भालू, भारत, बोलो, भा से भूमि, भा से भगवान। भा लिखने का मौखिक एवं लिखित अभ्यास करेंगे। रेडी है ना आप? वेरी गुड। फिर से लिखे बेटा, देखो छोटी सी स्लीपिंग लाइन, है ना? फिर ये अपन यहाँ आधा गोला बनाया, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए आप इतना। फिर इधर से हमको ऐसे आधा गोला और बनाना है। फिर इसी आधे गोले के सीध में अपन को एक स्लीपिंग लाइन छोटी सी। फिर आपको क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ पर, ये एक स्टैंडिंग लाइन, भा से भालू, और यहां पर अपन को स्लीपिंग लाइन खींचना है। भा बन गया, भा से भालू, भा से भटा, बोलो, भा से भगवान, है ना? भा से भक्त, है ना? भा लिख रहे हैं। वेरी गुड। फिर से लिखें, छोटी सी स्लीपिंग है यहाँ पर और इधर भी, ठीक है? क्योंकि भा के ऊपर लाइन पूरी नहीं होती है, ठीक है ना? तो हम क्या लिख रहे हैं? भा। तो सबसे पहले यहाँ पर आधा गोला, ठीक है, और एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, और इधर भी हमको इधर से घुमा के एक आधा गोला ऐसे बना। फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बेटा आप भी। फिर एक स्टैंडिंग लाइन, भा से भालू, भा से भालू। क्या लिख रहे बेटा हम? भा
से बनाओ अभी, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और आधा गोला, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाओ बेटा अभी, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हमको ये स्लीपिंग लाइन को यहां से फिर से एक और खींचना है। तो हमारा बन गया भासे भालू, भासे भटा, भा लिखने का, भा के ऊपर पूरी लाइन नहीं होती बेटा, है ना, भा लिख रहे हैं, ठीक है। फिर से लिखें बेटा, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर आधा गोल इधर बनाओ अभी, एक स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दो उसको, बनाओ आप इतना, फिर इधर से हम एक और आधा गोला बनाओ, फिर इस आधे गोले को स्लीपिंग लाइन से जोड़ना, फिर स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। फिर इधर से हम एक और स्लीपिंग लाइन से उसको जोड़कर भासे भालू, भासे भालू, क्या लिख रहे हैं हम, भालू, भा के ऊपर पूरी लाइन नहीं होती बेटा, ठीक है। तो हमको भा लिखने का अभ्यास करना है, समझ में आया ना आपको, बोलो आप बोलो इसके साथ, भासे भालू, भासे भटा, भटा किसको कहते हैं, बैंगन को, है ना, भासे भिंडी, भिंडी की सब्जी बनती है ना, भासे भिंडी, भासे भगवान, और भगवान के भक्त, भासे भक्त, और भक्त भजन गाते हैं, भासे भजन, भासे भगवान, भगवान के भक्त, और फिर भजन गाना भगवान के लिए, तो हमको भा लिखना है ना, भा लिख रहे ना, वेरी गुड। फिर से लिखें, देखो फिर से बनाइए, आधा गोला यहाँ बनाया, ठीक है, फिर उस आधे गोले को एक स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दी, खड़ी हुई लाइन से, फिर हमने इधर एक आधा गोला बनाया, फिर आधे गोले को स्लीपिंग लाइन से जोड़ दिया, बहुत आसान है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ, वेरी गुड, अच्छा बना रहे हैं आप लोग, फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, वहां के ऊपर लाइन नहीं होती पूरी, तो हम उसको क्या करना है, पूरा कंप्लीट लाइन नहीं भरते, है ना, वहां के ऊपर पूरी लाइन नहीं खींचते, ठीक है ना बेटा। भासे भालू, भासे भारत, भा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेटा, भा, रेडी, चलिए फिर से लिखे, एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और एक यहाँ पे भी, फिर आधा गोला, अब आप सीख गए ना बेटा, फिर एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर हमको आधे गोले को यहाँ जोड़ना है, स्लीपिंग लाइन से जोड़ना है, मम्मी को परेशान नहीं करना, और एक स्टैंडिंग लाइन से जोड़ना है, और इस स्लीपिंग लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करना है, भासे भटा, भासे भालू, और बिना हाथ उठाए कैसे लिखते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे, इधर आधा गोला, इसी आधे गोले से हम सीधे ऊपर की ओर ले जाएंगे, और सीधे नीचे स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से हम ऐसे घुमाव करेंगे, फिर इधर से स्लीपिंग लाइन, फिर सीधे ऊपर स्टैंडिंग लाइन, भा, भा के ऊपर पूरी लाइन नहीं होती, इसीलिए भा से भालू, भा, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। फिर से लिखें, बिना हाथ उठाए कैसे लिखेंगे बेटा, देखो आधा गोला, उस गोले को हम ऊपर से बंद करेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन से जोड़ेंगे, देखो, ठीक है, फिर इसको इधर से गोल घुमाएंगे, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, बन गया हमारा भा, और यहाँ से लाइन।
है, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, आधा गोला, फिर उसी आधे गोले से एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इधर एक और आधा गोला, फिर एक स्लीपिंग लाइन से जोड़ा, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर से भटा। आप बिना हाथ उठाए लिखना है आपको, ठीक है? Ready? Slipping line, आधा गोला, उसको हम standing line से जोड़ दिया, फिर इधर एक गोला, आधा, फिर slipping line, standing line, भासे, बोलिए, क्या भासे, भटा, भासे, भटा, सब खाते हैं ना भटे की सब्जी? आज हमने भटा लिखना सीखा, भासे, भासे, भालू। हम इसके साथ आप एक और बार बोलिए, भासे भालू, भासे भटा, भासे भारत, बोलो भासे भगवान, भासे भजन और भगवान के भक्त, भासे, है ना? तो आपको बहुत अच्छे से बोल बोल कर लिखना है, कहना मानना है। वेरी गुड बेटा, बाय।